हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पर हैप्पी होंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने आज ये टसल्स की डिज़ाइन बनाई है। ये हमारी सिंपल सी साड़ी थी, उसमें बॉर्डर नहीं था और कुछ भी नहीं था, देखिए इस तरह से। और इसमें ऐसे पिंक कलर का ब्लाउज़ था, तो हमने यहाँ पे पिंक कलर के धागे से टसल्स की डिज़ाइन बनाई है और इससे बहुत ही अच्छा दिखता है। देखिए इस तरह से हमारे पहले पल्लू में ये डिज़ाइन थी, ये हमने निकाली है। देखिए ये वाली भी अच्छी थी, लेकिन हमें ब्लाउज़ के मैचिंग का कुछ साड़ी पे बनाना था, इसलिए हमने वो टसल्स बनाए हैं। तो देखिए इसे हम पहले कट कर लेंगे अच्छे से, मतलब साड़ी कट ना जाए इसका ध्यान रखते हुए हम ये कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पहले से ही निशान है 2-2 इंच पर, जो पहले डिज़ाइन थी उसके। तो आपको अगर ये बनाना है तो पहले आपको ये 2-2 इंच पर ऐसे होल बना लेने हैं पूरे पल्लू पे, नीचे वाली साइड पे। देखिए इस तरह से आपको जितना बड़ा टसल्स बनाना है उसके हिसाब से आपको ये होल बना लेने हैं। तो देखिए हम पहले ये होल बना लेंगे। इस तरह से हमने होल बनाना स्टार्ट किया है और हमें पूरे पहले बना लेने हैं। तो देखिए इस तरह से पहले हमें होल बना लेंगे पूरे पल्लू पे। और फिर उसके बाद हमें कुछ भी एक हार्ड वाली चीज़ लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये प्लाईवुड लिया है, तो हम पहले इसे एक साइड पे गार्ड बांध देंगे इस तरह से। और फिर हमें इस धागे को इस पे लिपट लेंगे। तो आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे हमें ये गार्ड अच्छे से लगानी है ताकि बीच में वो खुल ना जाए। तो देखिए इस तरह से हमें फिर इसे राउंड राउंड करके ये धागा लिपट लेना है। तो हमने यहाँ पे 50 बार मतलब ये किया है, इसे 50 बार हमने धागा लिपट लिया है। आपको टसल्स बड़े चाहिए या छोटे उसके हिसाब से आप मतलब कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए थे इसलिए हमने 50 बार किया है। तो देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है, अगर एक भी धागा खुल जाता है तो सब मतलब बहुत बिगड़ जाता है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने एक बना लिया है। अब आप देख सकते हो हम किस तरह से बना रहे हैं। तो हमने होल तो पहले से ही बना रखे हैं और धागे के अगले मतलब जहाँ पे हमने वो डालना है उसके ऊपर हमें थोड़ा फैब्रिक ग्लू लगा कर उसको अच्छे से करना है। और फिर वो अगर धागे सब एक हो जाए तो फिर वो होल में से अच्छे से अंदर जाते हैं और फिर हमें वो ग्लू वाला पार्ट कट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और फिर दूसरे हमें सुई से इसको ऐसे कर लेना है, ऊपर से धागा लिपट लेना है और अच्छे से वहाँ पे टाइट करके एक गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने किया है। अब हम ऐसे सुई के हेल्प से हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए दो हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे अच्छे से पूरा मतलब सेम कट कर लेना है और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं ऐसे टसल्स। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे बना लिए हैं, 2-3 ही रह गए हैं। तो फिर इस तरह से आगे की तरह हमें ग्लू लगा लेना है, उसकी वजह से वो होल से अच्छे से निकल जाता है और फिर ग्लू का पार्ट हमें कट कर लेना है और फिर सुई की हेल्प से हमें वो टाइट बांध लेना है।
इसी तरह हमारे जो बाकी रह गए उसे भी हम बना लेंगे, अच्छे से कट कर लेंगे। और पूरे आपके टसल्स सेम आने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। उसकी लंबाई भी आपको अच्छे से देखनी है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर सुई के हेल्प से हम यहाँ पे टाइट एक गार्ड बांध लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको देखने में ही वीडियो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत टाइम जाता है और बहुत मतलब बहुत मेहनत लगती है। ये आपको वीडियो सिर्फ 8-9 मिनट का दिख रहा है, लेकिन इसे बनाने में मेरा पूरा दिन गया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए हमारे टसल्स बनकर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम अब फैब्रिक ग्लू लेंगे और ये छोटे छोटे मोती लेंगे, गोल्डन कलर के हैं। तो आप ब्लाउज़ देख सकते हैं, इस साड़ी का ही ये ब्लाउज़ है। तो उस साड़ी ब्लाउज़ की जैसे उस पर जैसे गोल्डन कलर की डिज़ाइन है, तो उसी तरह से हमें गोल्डन कलर के मोती लेकर उससे डिज़ाइन बना लेनी है। तो देखिए कुछ नहीं, सिर्फ हमें ग्लू ऐसे डाल देना है और उसके ऊपर हमें ये मोती डाल देने हैं। बहुत ही आसान है। और अगर आप ऐसे ही रैंडमली डालोगे फिर तो भी चलेगा। अगर आपको उस पर कुछ डिज़ाइन मतलब राउंड करके अगर कुछ फूल व्हील बनाना है वो भी होता है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम सारे बना लेंगे और इसे हमने 24 आवर्स ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और फिर अगर हम ऐसे ही गीले में इधर उधर करते हैं तो फिर वो मोती निकल जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे ही रखना है जब तक अच्छे से चिपक ना जाए और सारा ग्लू उसका मतलब वो जब वो सब चिपकते हैं मतलब, तो ग्लू कुछ भी आपको ऐसे दिखता है ना वाइट वाइट, तो कुछ भी दिखता नहीं है। तो जब वैसा हो जाए तब हमें वो यूज़ करना है या मतलब आप ले सकते हो उसे। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया है और अब हमें इसे 24 आवर्स ऐसे ही रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपने वीडियो लास्ट तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।